एक दुष्ट जादूगरनी थी। उसके घर के सामने एक बड़ा सा बाग था। बाग में बहुत सारे फूल लगे हुए थे। एक महिला उस घर के आगे से होकर जा रही थी। उसने सुंदर गुलाब देखे। उसने सोचा कि मंदिर में चढ़ाने के लिए एक फूल तोड़ लिया जाए। लेकिन जैसे ही उसने फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, जादूगरनी आ गई। वह चिल्लाकर बोली, रुक जा मूर्ख महिला, तूने मेरे फूल को छुआ है। यहां किसी को भी मेरे फूल छूने की आज्ञा नहीं है। तेरी इस गलती की सजा तुझे जरूर मिलेगी। मैं तुझे भी गुलाब का फूल बनाती हूँ, यह कहकर जादूगरनी ने इशारा किया। वह महिला घबराकर रोने लगी। वह बोली, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरे ऊपर दया करो, मुझे फूल मत बनाओ। उसका रोना सुनकर जादूगरनी ने कहा, मैंने एक बार जो कह दिया वह तो होकर ही रहेगा। मैं इतना कर सकती हूँ कि तेरी सजा थोड़ी कम हो जाए। आज पूरे दिन तू इस क्यारी में रहेगी और रात होने पर ही अपने घर जा सकेगी, लेकिन सुबह होते ही तुझे यहाँ वापस आना होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो तू अपने घर पर ही एक फूल बन जाएगी, इसलिए सुबह होते ही यहाँ आ जाना। हाँ, अगर तुझे किसी ने यहाँ के फूलों में से पहचान लिया तो मेरा जादू टूट जाएगा और तू हमेशा के लिए जा सकेगी। जादूगरनी के इतना कहते ही वह महिला गुलाब का फूल बनकर एक पौधे से जुड़ गई। रात होते ही वह वापस अपने रूप में आ गई। दिन भर धूप में रहने से बेचारी परेशान थी। वह देर रात अपने घर पहुंची। घर पर सब परेशान थे। उसने पूरी कहानी अपने बेटे को सुनाई। उसके बेटे ने कहा, माँ आप सुबह वहां वापस चली जाना, मैं आपके कुछ देर बाद आऊंगा और आपको पहचान लूंगा। आप बिल्कुल चिंता मत करो, सुबह को सूरज निकलने से भी पहले महिला जादूगरनी के बाग में जाकर फूल बन गई। तभी उसका बेटा वहां आया। उसने देखा वहां गुलाब के बहुत सारे पौधे थे। उन पौधों पर सैकड़ों फूल लगे हुए थे। उसने एक एक फूल को ध्यान से देखना शुरू किया। काफी सारे फूल देखने के बाद उसने एक फूल चुना और बोला, यही मेरी माँ है। इतना कहते ही उसकी माँ पर किया गया जादू टूट गया। वह अपने रूप में वापस आ गई। खुशी में उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया। उसने बेटे से पूछा, एक बात बता बेटा, तूने मुझे पहचाना कैसे? बेटे ने कहा, सीधी बात है माँ, जितने भी फूल रात भर यहाँ रहे उन सभी पर ओस की बूंदें थीं, लेकिन आप तो रात को घर पर थीं, इसलिए आप बिल्कुल सूखी हुई थीं। मैंने आपको आसानी से पहचान लिया। अपने बेटे की बुद्धिमानी देखकर माँ को बहुत खुशी हुई। जादूगरनी भी ये सब देख रही थी। जादूगरनी ने जब माँ और बेटे का प्यार देखा तो उसको इतना अच्छा लगा कि उसने सबको परेशान करना छोड़ दिया। अब वह दुष्ट जादूगरनी नहीं थी, बल्कि एक अच्छी और नेक जादूगरनी बन गई थी।